अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ओपिनियन में अली काजी में भली कार आवा यासर अहमद हमको स्टूडियो में ज्वाइन करता सीनियर तज्ज़ियाकार अली काजी साहब। वेलकम अली साहब। थैंक यू यासर। अली साहब, पीटीआई जो असद उमर साहब और खुर्शीद जमान साहब इल्ज़ाम आया इन जी सिंध सरकार बैरिया टाउन वे मसले से बैरिया टाउन से बदल आ उनकी पुठभराई करे थी पई। अज वरी असा जो सिंध जहा वजीर हुआ नासिर शाह साहब मुस्तफ़ाब साहब उन्होंने नशे की तरदीद कर छी है जी। ही जो बैरिया टाउन वाली स्कीम है यो इन हवाले से मली रही स्कीम 33 ही जो पासो है इन हवाले से जो सिंधियों जो गोठ हुआ उन हवाले से काफ़ी जमाने का इन तकरार मुख्तलिफ़ हलदा रहा है। ये इल्ज़ाम लगंदा रहा है गोठन के जोरी बेदखल किया पे वे हाँ इतने जो जमीन हुई डिघी कहानी है उन नथा आन तो एक सर्वे लैंड न हो पो छा थियो एम डी एच उन में मली डेवलपमेंट अथॉरिटी छा कयो एको डिघी कहानी आ दास्तान आ कहानी नंढी हुंदी आ दास्तान ये ताज़ो वरी यो थियो जो गबोलन जा गोठ आ आई हुन खां पो एकड़ो दफो हाई कोर्ट स्टे भी देई छडियो हफ्तो पेरी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी चयो सीएम सिंह सिंह के हिदायत कई तो न थियण खपे सभिनी के तसल्ली थी तो शायद रुकजी वेंदो। वरी बहरिया जा जेके बिल्डर्स जा गार्ड्स हुआ वरी वही उनके जख्मी क्यों खंबे खड़ी हुआ गोठाणन के तो ये इल्ज़ाम शदीद थींदा हुआ तो आखिर ही डी सी एस पी के लेवल की तो गाल ना है इन्हें किथा पुठ पराई पी थे तो जाहिर है पी टी आई इनके एक कैश इन करण छाकर तो हिनमल बैरिया टाउन जो इशू जो है सिंध वासियों लो सेंसिटिव इशू ठहल आ तो उन उन्होंने कैश इन किया उन्होंने तो भाई बिलावल हाउस की पुठ पराई हासिल है इनके बिल्डर के जैसी वरी अज नासिर शाह साहब आई मुर्तज़ा वहाब साहब तरदीद कई तरदीद थी वे थी लेकिन क्वेश्चन यो है तो अड़ी बताओ कि गवर्नमेंट वाकई में जी हाँ असंखे तो जी चवन पाया गवर्नमेंट वा पान के उन फेस वैल्यू तो गाल वूँ था ना वो चवन था तो भाई इन बिल्डर के सपोर्ट हासिल ना है तो डी सी एस पी के खिलाफ कार्रवाई थे खपे सम हेड्स शुड रोल आखिर जैसे रूलिंग पार्टी पीपल्स पार्टी जो हेड चेयरमैन चाहे तो न थियण खपे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस चाहे तो न कार्रवाई थियण खपे